पतली कर देना बाबू, अच्छी लग रही है रसगुल्ला से। हाँ बाबू क्या काम बना? मार दास्त भी गई थी, नौकरी नहीं थी मेरे पास। पहले तो ये बता आई कहाँ से है तेरी माँ? तो आई नहीं रही है, साइज इतना बड़ा हो गया इसकी। रुक जा, अगली बार आऊं तो बहुत पत... जिम ज्वाइन करवाते हैं। मेरे को इतनी परेशानी है कि मेरे को इतने तो ऑपरेशन हो गए और रीढ़ की हड्डी का भी बोला हुआ है, पर माई है जो मुझे चला रही है 7 साल पहले। तो ठीक है, तेरे को पतला भी कर देगी फिर माई। और अब माँ ऐसा कर दो कि मैं ट्रेन से आ सकूँ या बस से आ सकूँ, मेरा पैर। तो अब क्या उड़ के आई है? अब तो गाड़ी करके आई हूँ, इतने पैसे में यहाँ अगर माँ की सेवा में लगाऊं तो ये बात भी सही है। तो माँ मेरे पैरों से मतलब भी बहुत। हाँ कोई नहीं, चिरकुंडी तेरे को संतरा देके भेजूंगी, मतलब ठीक होने का। हाँ बाबू क्या काम बना? मैं नौकरी नहीं थी मेरे पास, पिछले साल आई थी नौकरी के अरदास करके गई थी। 2020 में आई थी? हाँ जी मैं आई थी जनवरी में। मतलब उस तरफ था दरबार, तब छत पे लगता था। तो मेरी अगस्त में पिछले साल मेरी नौकरी लग गई, मैं कच्चों में लग गई। अच्छा, और लगी किस चीज में थी? मैं सुप्रीम कोर्ट में नौकरी लगी है। बाबू वाओ, जयकारा भद्रकाली माई जी का, जयकारा दुर्गे माई जी का। भाई की और लगवा देना, वो उसने 2 बार इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू हो गया है वो। हाँ। पर माँ पता नहीं 6 महीने से ना उसके जाते आते नंबर रुक जाता है, ज्वाइन करते करते वो रुक जाता है, वो भी बाहर आया हुआ है। माँ वो बहुत होता है आपको। मेरी फिर धूम धड़ाके वाली कढ़ाई की देना, धूम धड़ाके वाली दूंगी, देखना भाई गौर से देखिए उस मोटी टिक्की वाली को। आपका चोला 16 श्रृंगार और आपकी चुनियाँ लेके आई हूँ, तो इसको स्वीकार। ठीक है बाबू, जैसे इस बच्ची का बड़ी नौकरी लगवाई है वैसे बाबू को भी लगवाए, मोटी टिक्की को भी लगाए, इसको पतला कर दे और डंके बजते रहे, फिर इससे बड़ी कढ़ाई लेंगे पक्का। कोई चक्कर नहीं, पक्की यहीं पे पक्का कर दो। और यहीं बाबू यहीं पे करूंगी, टेंशन ना ले, दरबार में नहीं उधर मतलब। और माँ मेरे बेटे की आज झोली भरते हैं। ठीक है बाबू, तो बच्चे की झोली भरते हैं, जैसे इस बच्चे मेरी बेटी भी आई, बोलने देगी? हराम खोर, बोलने नहीं दे रही है क्या? माँ मेरी बेटी आई थी बड़ी वाली, उसकी शादी हुई थी, मतलब ये 1 साल भी नहीं हुआ, वो बहुत परेशान थी, अरदास भी लगा के। फिर वहाँ लॉकडाउन हो गया, आपने 3 हाजिरी बताई थी, तीसरी हाजिरी जिस दिन मैं आई थी आनी मेरी आना था, यहाँ पर आना था मुझे तीसरी हाजिरी पे, एक रात पहले ही माँ इतना परेशान कर दिया कि मुझे ले जाना है, रात को 12 बजे आ रहा हूँ, 2 बजे आ रहा हूँ, उसी बार 8 बजे ले गया। और बाद में इतना बुरा हाल हुआ है, मेरी दीदी के घर में दीदी के ही ससुराल वालों ने दीदी का जेवर बाबू, तुम अपने ससुराल उधर की दीदी के ससुराल की चुगली कर रहे हो, ये वीडियो वो भी देख सकते हैं। तुम अपने जो काम बनाए ना वो वीडियो बनवा लो, है ना भाई? तुम जो तेरी जॉब लगी है सिर्फ उतनी वीडियो बनवाओ ना, ठीक है? तुम तो लंबी ले गई, क्यों अगली का बसा बसाया क्यों खंडित कर रहे हो? आराम करो, ये चीजें होती है, वीडियो हटा के बाद में बात करती मेरे से। तूने तो बीच में ही चुगली कर दी भाई, जरूर देखना इसके ससुराल वाले वीडियो, ठीक है? और मैं सड़ों के नींबू जरूर कटूंगी तुम्हारे, मैं ये कह रही थी। हाँ बाबू टेंशन ना ले, कोई चक्कर नहीं। तो ये चुप होगी, इसके पट्टी लगा देना, वीडियो नहीं बनाने दे रही। तो महारानी ने जैसे इसकी नौकरी लगाई वैसे सबकी लगाए, और ये मोटी बहुत बोलती है, भगवान कसम बहुत बोलती है, तो वैसे ही बुलवाती रही। और मैं इसकी झोली भर के भेजूंगी, बस साचे दरबार की जय।